पता चला? कुछ पता नहीं चला, पूरा मोहल्ला देख लिया, कहीं पता नहीं चला। मुझे तो परेशानी हो रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। फोन भी अपना यहीं छोड़ गई है, मुझे तो लगता है वहीं गई है। वहाँ कहाँ? अपने ससुराल और कहाँ? वहाँ क्यों जाएगी, वहाँ तो कोई है भी नहीं। हो सकता है उसको कोई उनके आने की उम्मीद हो गई हो, इसलिए वहाँ गई हो। मुझे लगता है वहाँ चल के देखना चाहिए। मुझ में हिम्मत नहीं उन फजूल लोगों की बकवास दोबारा सुनने की। वैसे भी तलाक के बाद उसका वहां जाने का जवाज नहीं बनता। तो क्या करेंगे, बच्ची तो नहीं है ना कि उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाएं। मेरी बात मान ले, एक दफा वहां चल के देखते। मैं चल रही हूँ ना आपके साथ। बच्चे अकेले घर में? कोई बात नहीं, बच्चे वैसे ही सो रहे हैं, हम दरवाजा लॉक करके चलते हैं, आधे घंटे में हम वापस आ जाएंगे। चलो मैं आती। अब ठीक है ना? अरे कैसे ठीक हो सकती हूँ, आए दिन तमाशे हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एक काम तूने बड़ा अच्छा किया है, बात जो लिखकर उसे तलाक दे दी पक्के कागजों पर। अरे मैं पूछती हूँ, जब तलाक दे दी क्यों आ जाती है हमारे घर बार बार, जान क्यों नहीं छोड़ देती हमारी? अब नहीं आएगी। तू नहीं जानता उसे, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। मैं जरा गुड्डू को देख कर आता हूँ, शायद भूखा ही सो गया है। अरे अपना भी कुछ ख्याल कर ले, इतना छोटा सा मुंह निकल रहा है। खाना खाया तूने? जब देखो गुड्डू गुड्डू गुड्डू, हर वक्त गुड्डू की फिक्र है। ऐसे नहीं कि 5 मिनट माँ के पास भी बैठ जाए। एक तो मेरे सर के ऊपर जहीर के पैसों के लिए तलवार लटक रही है, कैसे बात करूं बात से? अब मेरे बेटे को उसकी मामा से कोई नहीं छीन सकता। मामा पापा गुस्सा करेंगे। एक बात बताओ, इबाद ने इसे आने कैसे दिया? मैं माँ हूं इसकी, मुझे कौन रोक सकता है अपने बेटे से मिलने से। अच्छा गुड्डू ये बताओ कि पापा ने कहाँ छुपा के रखा हुआ था इतने दिन? हम सायमा फूफो के घर पर थे। सर तो वापस क्यों आए? सिद्रा फूफो की शादी है, आज मेहंदी है। मामा हम फूफो की शादी में जाएंगे ना? मैं ना आज अपने बेटे की पसंद के खाने बनाऊंगी, उसको सब खिलाऊंगी, और मेरा बच्चा मेरे साथ सोएगा और स्टोरी भी सुनेगा। कितने दिनों से स्टोरी नहीं सुनी आपने? नहीं, किसी ने भी नहीं सुनाई। मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे को स्टोरी सुनाऊंगी आज, दो दो स्टोरीज, बहुत मजे की। हाँ मामी, ऐना और अयान कहाँ है? सो रहे हैं बेटा। खैर अब आप कब तक ऐसे बैठेंगे, इतनी देर से इन लोगों को ढूंढ रहे हैं, अब जाके सो जाएं, सुबह ऑफिस भी जाना है। चलो अंदर चलो बच्चों। एक मिनट, मुझे नायाब से कुछ कहना है। नायाब जो हरकत तुमने आज की है ना, दोबारा मत करना। पता भी है किसना पागलों की तरह हम दोनों तुम्हें ढूंढते रहे? अपना तो तुम्हें कोई ख्याल नहीं है, कम से कम हमारे ही कर लो अगर इस घर में रहना है तो। चले क्या?